तत्पश्चात हमारे सचिव जिनकी जितनी भी प्रशंसा अखिलेश कुमार जैन पिछले कई वर्षों से महावीर जयंती के क्रियाकलापों पर कार्यक्रमों का संपादन कराते आए हैं, श्री अखिलेश कुमार जैन सचिव से अनुरोध है कि कृपया मंच पर आए। आप मिले जी हमारे सचिव कर्मठ सचिव को मंच तक लेकर आइए। सुधार करते हुए हम अपने बीच अपने समिति के उपाध्यक्ष जैन जी से भी अनुरोध करता हूं कि आप मंच पर आए और अपना मंचीय परंपरा के अंतर्गत हमारे सभी अतिथिगण विशिष्ट अतिथिगण अपना अपना आसन ग्रहण कर चुके हैं। अब ये भगवान महावीर की जय। विश्व में अहिंसा का इन नारों के साथ आज की यह आम सभा आरंभ हो रही है। एक परंपरा है कि आर के सिंह साहब का स्वागत अपने जैन समाज की तरफ से, अपनी समिति की तरफ से पुरजोर जो और जोरदार तालियों के साथ यहां स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूं। श्री हेमंत कुमार जैन साहब से अनुरोध करूंगा जो हमारे पूर्व महासचिव हैं, श्री आर के सिंह साहब के विषय में कुछ भी कहना कुछ में और फर्स्ट अटेम्प्ट ही इन्होंने आईएएस का दिया, क्योंकि पहले अटेम्प्ट जब आईपीएस इन्होंने निकाला था उस वक्त इनकी उम्र आईएएस निकालने की नहीं थी, इसलिए पहला अटेम्प्ट इन्होंने आईपीएस का निकाला और नेक्स्ट ईयर ही सेकंड अटेम्प्ट जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर आईएएस किया उस वक्त भी आपने पहला स्थान को पहली बार में ही अपना आईएएस एग्जाम भी निकाल लिया। आप जैसे इनसे हम सभी पूर्ण रूप से अवगत हैं कि आपने पिछले 5 वर्षों में हमारे जिले को अपने क्षेत्र को जितनी भी सुविधाएं जितनी भी चीजें दी हैं वो जितने भी प्रोजेक्ट्स दिए हैं वो सभी हमारे जिले के लिए हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही मूल्यवान है और शायद कभी किसी ने उज्जवल भविष्य की भी कामना अपने समाज की तरफ से अपनी तरफ से करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आगे भी आपकी प्रेरणा आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहेगा और आपका दिशा निर्देश हमारे क्षेत्र हमारे जिले को मिलता रहेगा। बीच अपने मंचीय परंपरा को सिखाने वाले गुरुदेव व मेरे चाचा जी रणवीर चाचा जी का स्वागत अभिनंदन आज के लोगों का एकमात्र क्षेत्र रहा है और बिहार के में उस वक्त जब भगवान महावीर एक यूथ थे उस वक्त वो सिर्फ वर्धमान हुआ करते थे, एक क्षत्रिय राजकुल में पैदा हुआ राजकुमार जब बलि प्रथा की कुरीतियों को देखता है तो उसे काफी तकलीफ होती है। क्या हम अहिंसा से कार्य नहीं कर सकते, हर जगह बलि क्यों देते हैं? हम भोजन भी करते हैं तो निरामिष भोजन करते हैं, क्यों करते हैं? हमें शाकाहारी भोजन करना चाहिए, क्यों?
महोदय क्योंकि आपसे ही हमें अपेक्षा होती है कि जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जो हमारे लिए शासक हैं, वही प्रशासन से कुछ काम हमारे फेवर में भी करा सकते हैं। हम कभी किसी अनुचित मांग को आपके सामने नहीं रखते हैं। आपने पिछले 5 वर्षों में भी देखा होगा कि हमारा एक भी यूथ आपके पास इसलिए नहीं गया होगा कि मुझे गन का लाइसेंस दिलवा दीजिए, मुझे एक टेंडर दिलवा दीजिए। परंतु हम भी चाहते हैं, अपेक्षाएं रखते हैं कि जो हमारा अधिकार है वो अवश्य शासन और प्रशासन के द्वारा हमें भी प्राप्त होना चाहिए। आज के इस सभा मैं अपनी बातें आपके सामने रख दिया। मैंने इसकी इस डिमांड को अपने राजभवन में महामहिम साहब के समक्ष भी पिछले 2 महीने पूर्व मैं गया था मिलने, आरा की शिक्षा व्यवस्था पे बात करने के लिए मुझे मौका मिला था और मैंने उनके समक्ष भी ये बात रखी थी। और उस वक्त मैंने ये भी बात रखी थी कि आरा में एक OBC हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को चला रहे हैं, हमें एक अच्छे वाइस चांसलर की आवश्यकता है और हमें बहुत ही अच्छे वाइस चांसलर मिले हैं। पिछले दिन यानी कल की ही बात है, हमारे विद्यालय में वो आए थे। अहिंसा कल, आज और कल विषय पर बच्चों के बीच जो उन्होंने व्याख्यान दिया, मैं उसका एक अंश भी यहाँ प्रस्तुत नहीं कर सकता हूँ। दोनों साइड आ जाइए, दोनों साइड आ जाइए। यह जो ज्योति जलाई, यह ज्योति मैं समझता हूँ कि हमारे समाज को एक नई ऊर्जा प्रदान करेगी, क्योंकि हमारे समाज को एक नई ऊर्जा, एक नया विश्वास यह ज्योति देगी। और इसी अपेक्षा के साथ विधिवत उद्घाटन का कार्यक्रम संपन्न होता है। अधिक है